मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। लास्ट टू वीडियोज में हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे कि न्यूट्रिशन पौधों को क्यों मिलता है और कैसे मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होता क्या है? हमारे फूड्स में जो मिनरल्स होते हैं, एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स का वर्ड क्या होता है अगर आप समझोगे ना तो आपको पता चल जाएगा न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। न्यूट्रिएंट्स का वर्ड है हमारे शरीर को हेल्दी रखना, डिसीजों से या कोई भी एनी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। और ये कब होगा? जब हमारे शरीर को बैलेंस डाइट मिलेगा। और बैलेंस डाइट मिल कैसे सकता है बता सकते हो? अगर प्रोपोर्शन में यानी सही मात्रा में संतुलित आहार मिले, बैलेंस डाइट मिले, तो हमें हमारे शरीर को हम किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं। ओके, तो वैसे ही पौधों में भी होता है, उन्हें भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ग्लोबेशन कैसे? तो अगर आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो कैसे मिलता है? ये तो प्राइमरी है ना, ये लोग प्राइमरी है, इन्हें तो किसी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपके जो भी फूड होंगे, जो भी फूड है आपके, उसमें क्या होता है? या तो एनिमल प्रोडक्ट होता है या फिर प्लांट प्रोडक्ट होता है। अब एनिमल प्रोडक्ट जो भी होंगे, जैसे फिश हो, मीट हो, चिकन हो, दूध हो, कुछ भी हो, एनिमल प्रोडक्ट, तो सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट यानी जो भी एनिमल से बने होंगे, वो एनिमल किसी न किसी रूप में कभी ना कभी प्लांट को एब्जॉर्ब किए होंगे, कंज्यूम किए होंगे, प्लांट को खाए होंगे। यानी कि जो भी मिनरल्स हमें मिलता है फूड के माध्यम से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, यानी कि प्राइमरी सोर्स तो प्लांट ही होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पे वो प्लांट से मिलता है। दैट मीन्स कि जो भी मिनरल्स हम खाते हैं वो प्लांट्स में भी होता ही होता है। अब प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना भोजन कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए अब लोग सब पता नहीं, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा ना। एक बार नोट्स बनाओ और एक बार आपको 5 मिनट लगेगा पूरे नोट्स लिखने में, नोट्स को देखो तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सनलाइट चाहिए ना, और ये सनलाइट कहाँ से मिलेगा? तो सनलाइट से क्या मिलेगा? लाइट एनर्जी। और इससे क्या मिलेगा पता नहीं, ये बोल दो, ये तो बोलना है, एक बार डिवाइस करो अच्छे से, फिर से मैं बता दूँ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्लांट के पास होते हैं? नहीं, प्लांट क्या करता है, वाटर को कंज्यूम करता है ना, अंडरग्राउंड वाटर को, क्योंकि जब रेन होता है, बारिश होता है, तो ये पानी कहाँ से जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है ना। और जाइलम के थ्रू ये प्लांट है, इसमें दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम के थ्रू ये जो जाइलम के थ्रू ये जो वाटर है ये कहाँ जाता है? पत्तियों में चला जाता है। पत्तियों में चला गया, क्या गया? वाटर गया। किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू। और यही तो ढेर सारे मिनरल्स है, आप देख सकते हो, ये रहा मिनरल, ये देखो राइजोबियम जिससे नाइट्रोजन मिलेगा, तो ढेर सारे मिनरल्स रूट सिस्टम में लेंगे। और पानी ने क्या करा? पूरे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जाइलम जो वाटर को ऊपर कैरी करेगा, जो ऊपर ले जाएगा, तो जो जिसके जितनी उसने एब्जॉर्ब किए होंगे क्या मिनरल्स, वो भी तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही ना, बिल्कुल जाएगा। ये सब ऊपर जाता है और ये पूरे प्लांट में पूरे पार्ट में उसको क्या करता है? स्प्रेड आउट करता है, फैला देता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फोटोसिंथेसिस पे चर्चा कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहा मोटर, ये वाला मोटर देखो, ये एक मोटर है ना, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, दैट मींस ये क्या है? वाटर। अब इसको क्या क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और मैंने आपको बताया था पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, हरित लवक होता है, क्योंकि पत्तियाँ हरी होती है। और हरा कलर क्यों होता है? पत्तियाँ, पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्यों होता है बता सकते हो? हाँ, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था गाजर में कौन सा वर्णक होता है, यानी कौन सा पिगमेंट होता है, याद है? कैरोटीन। ओके, गुड, वेरी गुड, कैरोटीन। तो कैरोटीन पिगमेंट तो गाजर में होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल है। आप देखना, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट होना चाहिए, रात में खाना नहीं बना सकते, तो सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब उससे वाटर का क्या यूज है? तो खाना जब भी बनाएंगे तो कोई भी ना कोई चीज एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे आप खाना खाते हो, चावल रोटी कुछ भी खाते हो ना, तो इसकी जो मिनरल्स होते हैं ना, अपने आप शरीर में नहीं फैल जाते, वाटर उसको एब्जॉर्ब करता है और वो ब्लड के थ्रू हमारे पूरे शरीर में फैलाता है उसको। तो इसके लिए उसको वाटर तो चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए। अब ग्लूकोज देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सी है और ओ है। अब ग्लूकोज के लिए तो हाइड्रोजन भी चाहिए ना, तो हाइड्रोजन को कहाँ से मिलेगा? उसे वाटर से तो मिलेगा।
संश्लेषित करने के दरमियान ये अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज। अच्छा ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, फैट्स होता है, क्या होता है ग्लूकोज? क्या होता है ग्लूकोज? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो मैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट ना अलग अलग प्रकार के होता है, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और क्या होता है पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में क्या आएगा, जैसे कि ग्लूकोज आ गया, फ्रुक्टोज आ गया, ग्लाइकोज आ गया, ये सब मोनोसैकेराइड है। मतलब इसमें ग्लूकोज का एक ही मात्रा, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का एक ही मात्रा होता है। अब दो कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाएंगे, डाइसैकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे बता सकते हो? माल्टोज बनाएंगे, जो हमारे खाने में होता है। उसके बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल जाएगा। अच्छा फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है बता सकते हो? शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। जो टेबल चीनी होता है ना उसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है, समझ में आया? और इसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। अब बोलो सर आपने दो मिला के डाइसैकेराइड बना दिया, एक से तो आपने बोल दिया मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या ढेर सारे होंगे? बिल्कुल ढेर सारे होंगे। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं ना वो मोनोसैकेराइड कंज्यूम नहीं करते, डाइसैकेराइड कंज्यूम नहीं करते, हम कंज्यूम करते हैं किस फॉर्म में, पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में। आप बोलोगे सर कैसे? हम ये जो प्लांट होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च मतलब मन, स्टार्च मन मतलब हिंदी में मन बोलते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। और स्टार्च क्या होता है ना, पॉलीसैकेराइड होते हैं, ढेर सारे कार्बोहाइड्रेट उसमें सब होते हैं, ग्लूकोज भी हो जाएंगे, कोई कोई पौधा मीठा भी होता है ना, तो उसमें सुक्रोज भी आ गया, फ्रुक्टोज भी आ गया, सब मिलके पॉलीसैकेराइड बनाता है। और जब हम मुंह में इसको खाते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइलिन इसको क्या करता है, माल्टोज में तोड़ देता है। और माल्टोज को माल्टेज क्या करता है, तोड़ देता है बता सकते हो, ग्लूकोज में तोड़ देता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में ही हो जाता है। तो मैंने ये बता दिया आपको कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपको पता चल गया कि ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमें कैसे पता चले कौन सा प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। जैसे कि जिसमें ओज लगा हो, क्या लगा हो, ओज लगा हो, ओज, जैसे कि ग्लूकोज, सैक्रोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोज, लैक्टोज, ओज आ गया ना, ओज आ गया तो कार्बोहाइड्रेट का ही प्रोडक्ट है, समझ में आया आपको। अच्छा एज लगा हुआ तो, एज लगा हुआ तो वो क्या होगा, एंजाइम होगा, जैसे कि माल्टेज। अभी मैंने माल्टेज क्या बताया, माल्टेज क्या करता है, माल्टोज को क्या करता है, तोड़कर ग्लूकोज बनाता है, जो कि हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में पचता है। उसका क्या क्या काम, सॉरी कौन कौन इसको ग्लूकोज के रूप में तोड़ता है, पहला टैली और दूसरा बता सकते हो, भूल गए अभी तो बताया आपको, चलो तो बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट में इसको लिखना, ठीक है। मैंने एक टाइलिन बताया और दूसरा एंजाइम आपको बताना है। चलो आपको याद नहीं रहा होगा तो मैं ही बता देता हूँ, माल्टेज नाम है उसका, ठीक है, याद हुआ। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक, ओके। तो इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल तो है ही इसके अंदर, यहाँ पे एक स्टोमाटा होता है जो कि ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, और ओपन क्लोज होगा तो क्या होगा बता सकते हो, जो अंदर का चीज होगा बाहर तो निकल ही जाएगा ना, जैसे कि हमारे नाक है, अंदर लिया बाहर छोड़ा तो नाक दबाने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, ये अपने आप होते रहता है, होता है ना। अब चलो देखो हमारा हाथ है, इसमें रोमचित होता है ना, अरे रोमचित होता है ना, तो पसीना तो अपने आप निकलता है, उसे निकालने की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं। तो वैसे इसका जो स्टोमाटा होता है ना, क्या होता है, बंद खुला, बंद खुला, बंद खुला। तो इसमें जब पत्तियों में जब सनलाइट आएगी और जो खाना बनाते रहेगा, क्या मोटर भी आया, मैंने जैसे आपको बताया कि जाइलम से क्या आया, पानी आया, और ये पानी ना वाष्पोत्सर्जन गर्म हो ही जाएगा ना, तो वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा, बाहर निकलना शुरू होगा। तो पहला प्रोडक्ट मैंने बताया कि ये जब खाना बनाएगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करता है, यानी ग्लूकोज बनाया प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या हुआ, ग्लूकोज। दूसरा क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन, यानी भाप निकला है ना, अब भाप नहीं समझ सकते कि एग्जैक्टली इतना ह्यूज अमाउंट में निकलेगा नहीं, थोड़ा बहुत निकलता है। आप पेड़ के, पेड़ पौधों के नजदीक बैठोगे, नीचे बैठोगे ना, उन लोगों से ठंडी लगेगी, ऐसा नहीं है ये आपका बहन है कि ठंडी लगेगी, ठंडी लगने का कारण क्योंकि हवा चलती है, इसके लिए आपके शरीर में पसीना रहता है और वो आपको ठंडा करता है। ये मैं आगे बताऊँ वह कैसे ठंडी लगती है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली गर्मी लगेगी। अगर पेड़ पौधे चलते नहीं रहे ना, रुका रहे ना, हवा हवा नहीं चलता रहे, तो अगर पेड़ के नीचे आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्यों, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, तो गर्मी तो ऑलरेडी
फिर पानी तो निकल गया बाहर ऑक्सीजन, उसके साथ साथ क्या होगा तो वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं इनहेल मतलब बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन को इन्होंने रिलीज कर दिया। अच्छा ये ज्यादातर क्या है, ये फूड से या फ्लावर है, अब कितना जैसा भी हो बहुत ही अच्छा है, ये फ्लावर मैंने बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ड्रॉइंग किया, आप इससे अच्छा ही ड्रॉइंग बनाना ओके। ये कोलकाता बहुत फेमस ड्रॉइंग है, मोनालिसा के बाद इसी का नंबर आने वाला है ओके। तो ये अभी आपको भी ड्रॉइंग बनाना ही बनाना है, कंपल्सरी है, पूरा पूरा चीज आपको मेंशन करना है ठीक है। तो इस तरह से खाना बना लिया इसने ओके डन, इतनी बात तो समझ में आई। तो प्रोडक्ट क्या हुआ एक बार और बताता हूँ, क्या चाहिए इसको बताओ बोलो याद है भूल गए, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी गुड, उसके बाद पानी किसके प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर क्या चाहिए क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए, ऐसी पत्तियां जिसमें क्लोरोफिल नहीं हो वो खाना नहीं बना पाएंगे। प्रोडक्ट क्या बना ग्लूकोज, फिर क्या बना वाष्पोत्सर्जन हुआ यानी वाटर, फिर क्या हुआ ऑक्सीजन को एक्जेल हुआ बराबर। तो इतने चीज फोटोसिंथेसिस में बनते हैं। अब एक बात मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे ढेर सारे मैंने लिखा है जैसे वीट से एक्टर करवा रहे, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने ये प्लांट जो मान लो कि ये कोई ग्राम का प्लांट यानी दाल का प्लांट है ना, कोई भी पल्सी है कोई मान लो मूंग वगैरह मूंग या कोई भी पल्सी पकड़ लो, तो वो है मूंग का है प्लांट या फिर या पकड़ लो ग्राम का प्लांट है, तो ये इसमें क्या होता है आपको ग्राम का जो प्लांट होता है उसमें रूट से ऐसा ऐसा गांठ मिले, जो भी चने मतलब चना ही नहीं कोई भी दाल के प्लांट होगा तो उसके जड़ को देखना वहाँ पे गांठ मिलेगा, ये गांठ क्या होता है आपको ये होता है राइजोबियम, राइजोबियम रहता है उसमें, राइजोबियम क्या करता है एकदम से ढीले सारा नाइट्रोजन देता है किसको पौधों को देता है। अब ये देखो इसके रूट्स के अंदर नाइट्रोजन है ऑलरेडी, अभी पानी का आना जाना हो ही रहा है, तो जब ये ऊपर नीचे आएगा जाएगा तो रोम छिद्र तो है ही, इसमें भी रोम छिद्र नहीं बोल सकते छिद्र बोल सकते हैं, तो छिद्र तो है ही तो वो बाहर तो निकलेगा भी ना, तो ये वेस्टेज में उसको निकालेंगे भी हाँ। अच्छा ये निकालते हैं कंज्यूम करने के दौरान निकालते हैं तो क्या होगा इस सॉइल में जब भी ढेर सारा नाइट्रोजन आ जाए ढेर सारा नाइट्रोजन है तो इसमें निकाल दिया आपने ना, और रूट्स तो पूरे आएंगे नहीं तो अंदर ले जाएंगे, और आपको मालूम है कि मैन्योर ये क्या बना देगा, मैंने आपको बताया था प्लांट रेसिड्यूल क्या बनाता है मैन्योर बनाता है, ये मैन्योर बना दिया एक तरह से जैविक खाद बना दिया, और जैविक खाद जिसमें बिना केमिकल का ह्यूज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है जिससे क्या प्लांट को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प मिलता है। इसके लिए तो हमें क्या करना होता है पता है आपको, अगर आपने गेहूं लगाया उसके बाद क्या लगाना चाहिए कोई भी दाल का प्लांट लगाना चाहिए, इस तरह से आप अगर प्लांट को चेंज करके लगाओगे ना फसल को अपने चेंज करके लगाओगे, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग बोलते हैं इसको, ऑल्टरनेट क्रॉपिंग करोगे जिसमें दाल को ऐड करोगे तो आपका जो फर्टिलिटी है ना ये सॉइल की बनी रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी इसकी फर्टिलिटी, और फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें पल्सिस को लगाना ही चाहिए बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक क्रॉप के बाद नहीं लगाए दो क्रॉप के बाद नहीं लगाए तीसरे क्रॉप के बाद तो आपको लगाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना एक सारे बीड्स भी तो है तो ये भी तो मिनरल्स कंज्यूम करेंगे ना, तो आपके जो ये सॉइल है ना इसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम जाती है, पर भूमि क्या होता है धीरे 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 बंजर हो जाता है, इसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए आप तो क्या करोगे ये ढेर सारे केमिकल्स डाल दो, ये सब केमिकल्स ही तो है ढेर सारे केमिकल्स डाल दो उससे ही फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, तो उससे अच्छा क्या करते हैं ऑर्गेनिक क्रॉप लगाते हैं जिसमें हम पल्सिस को ऐड करेंगे ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। कितनी बात आपको समझ में आएगी ये क्या है क्लाउड क्या सा क्लाउड है अभी देखना सकते हैं, जाकर क्लाउड दिखेगा आपको रेन का सीजन है तो इसके फायदे भी दिखेंगे आपको, ये रेन हुआ पानी लिया ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, तो ये सारे चीजें आपको याद करने हैं लिखने हैं। चलो मैं आज का होमवर्क देता हूँ, समझाओ कि फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पेड़ पौधे कौन कौन से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, और हमें क्रॉप की प्लांटेशन ऑल्टरनेट बेसिस पे क्यों करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं ओके। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को दोबारा देख लेना ठीक है, नहीं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात आपको इसमें इस क्लास में ना कमेंट का एक ऑप्शन है, तो आप कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया, उस पर मैं फिर से या तो वीडियो बना दूंगा या फिर मैं किसी माध्यम से आपको समझा दूंगा ओके। थैंक यू।